भारत के विकास का असली पैमाना इसके गांव की प्रगति में निहित है। ये ग्रामीण परिदृश्य राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। इन्हीं गांव में भारतीय संस्कृति, परंपरा और विविधता की समृद्ध चित्रपट बुनी गई है, जो समग्र रूप से राष्ट्र की पहचान और भावना को आकार देती है। भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत को कई दशक बीत चुके हैं। इन दोनों क्रांति की जड़ें ग्रामीण परिदृश्य में गहराई से जुड़ी हुई थीं। इन आंदोलन से पूरे देश में कृषि और डेयरी से जुड़े किसानों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार एवं क्रांतिकारी बदलाव देखे गए। हालांकि झारखंड के संदर्भ में इस क्रांति को गति मिलने में कुछ समय लगा, किंतु अब झारखंड के गांव भी धीरे धीरे इन दोनों क्षेत्रों में परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं। आज हम झारखंड के एक खास गांव का दौरा करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे कि कैसे ये आंदोलन कृषि और डेयरी परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। आज हम यात्रा कर रहे हैं चान्हो प्रखंड स्थित चोरिया गांव की। दुखों को चकमा देकर आओ, दबे पांव चलते हैं, शहर को पीछे छोड़ चलो, आज गांव चलते हैं। जोहार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है, यहां के किस्से, कहानी, वो हम आप तक लेकर आएँ। और इसी सिलसिले में आज हम चल रहे हैं चान्हो ब्लॉक। हमारा गंतव्य होने वाला है चोरिया पंचायत। इस पंचायत के अंतर्गत तीन गांव आते हैं, जिसमें से दो गांव रेवेन्यू विलेज हैं। और बताया जाता है कि यहां बीते कई वर्षों से काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेती पर काम किया जा रहा है। यहां के जो ग्रामीण हैं वो एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल तो करते हैं, उसके साथ ही साथ पशुपालन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। तो इन सब पहलुओं से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। वक्त नहीं करवाते हैं और निकल चलते हैं इस यात्रा पर। यह पंचायत अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यह बड़े पैमाने पर अनाज एवं सब्जी उत्पादन के लिए पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। यहाँ का लगभग हर ग्रामीण खेती से जुड़ा हुआ है और अधिकतम उपज के लिए उन्नत कृषि तकनीक एवं नवाचार का उपयोग करते हैं। खेती में आम ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, इतना तक कि सोलर भी मिला हुआ है। सोलर का यूज से मतलब बिजली का बचत करते हैं, सोलर का यूज भी करते हैं, उससे भी सिंचाई करते हैं। और ड्रिप स्प्रिंकलर से जब से खेती कर रहे हैं, हमारा बच्चों का स्कूल कॉलेज में नंबर भी अच्छा आ रहा है और खेती भी अच्छा हो रहा है। और जितना पानी में हम 4 एकड़ 5 एकड़ में खेती कर पाते थे गर्मी के दिनों में, उतना ही पानी में हम लोग 10 एकड़ में आराम से खेती कर लेते हैं ड्रिप स्प्रिंकलर से। इतना कम मतलब 40% पानी लगता है, 60% पानी बचता है। सरकार का सक्रिय एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां अक्सर किसानों को नवीन कृषि तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। ये चोरिया पंचायत में देखा जाए जिस तरह का पॉपुलेशन है, इनका 20% पॉपुलेशन बिजनेस से रिलेटिव रखते हैं और उसका 80% पॉपुलेशन है जो कि कृषि से। और यहाँ कृषि से जो लोग रिलेटिव रखते हैं उनका इधर 5-6 सालों में ग्रोथ बेहतर है पहले की अपेक्षा। उनका जो कृषि के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो गांव घर में, वो सुविधा भी बिजली का सुचारू रूप से रहना और उनके साथ जो ड्रिप बोरिंग के जरिए पानी का और ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के जरिए खेती में कम पानी से ज़्यादा उपज का ही भी मामला बहुत बेहतर है। और जो लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपने परिवार को बेहतर ढंग से रख पा रहे हैं और अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं।
इन कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को बहुमूल्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे इन्हें आधुनिक विधियों को अपनाने और गांव के संपन्न कृषि परिदृश्य को मजबूती प्रदान करने में अच्छी खासी मदद मिलती है। इन सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से गांव ज्ञान और आधुनिकता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कृषि समृद्धि के पर्याय के रूप में उभरा है। ये कृषि प्रधान पंचायत है जहाँ पर अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। अगर हम कृषि की बात करें तो फिलहाल बीते कुछ वर्षों से यहाँ के किसान कई आधुनिक पद्धतियों का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं, फिर चाहे वो स्प्रिंकलिंग सिंचाई हो या फिर टपक सिंचाई हो। उसके साथ ही साथ पंचायत में कृषि मित्र भी मौजूद है जो किसानों को समय समय पर खेती से जुड़ी अहम जानकारी तो देते ही हैं, उसके साथ किस प्रकार से वो बैंक से खेती के लिए लोन ले सकते हैं, क्या कुछ ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसे सब्सिडी पर वो खरीद सकते हैं, उसके बारे में भी इन्हें जानकारी दी जाती है। बिरसा हरित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत आम बागवानी योजना द्वारा इस पंचायत में समृद्धि और स्थिरता की एक नई सुबह की शुरुआत हुई है। बंजर भूमि अब आम के बागों से आच्छादित है। ये बागान किसान के सुनहरे कल की कुंजी है। कृषि विविधीकरण के लोकाचार को अपनाते हुए कई ग्रामीणों ने एकल फसल खेती की सीमाओं को लांघते हुए मिश्रित बागवानी के क्षेत्र में कदम रखा है। इस पहल द्वारा न केवल ग्रामीणों की आय के स्रोतों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इससे जैव विविधता का भी पोषण हो रहा है। मैं आम बागवानी लिए हैं और 112 पेड़ लगाए थे और खेत जोताई किए हैं, खेती उती लगाने के लिए आम भी मंजर दे दिया है। आम से भी मुनाफा होगा और खेती से भी हमें। कृषि केंद्रित इस पंचायत में कृषि गतिविधियों को बनाए रखने के लिए पानी तक पहुंच सर्वोपरि है। मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से यहां कुआं और जलाशय का निर्माण किया गया है, जो खेतों को प्रभावी ढंग से सिंचित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार का योजना आता है, जैसे कृषि के माध्यम से, जैसे मिट्टी जांच हो, चाहे कोई बीज हो, चाहे खाद हो, ये सबको किसान को हमको जानकारी देना होता है, उसका लाभ ले सके। और जैसे पीएम किसान केवाईसी करना हो, चाहे कोई ये सब केवाईसी करने के लिए सब हम लोग को किसान को जानकारी देना पड़ता है। उसमें जाकर किसान जाकर कहाँ होता है उसको जाकर कराता है। और कोई अगर बैंक से किसी को कृषि केसीसी लोन चाहिए, उस सब का भी जानकारी देते हैं, उस सब का भी फॉर्म हम ले कर पहुँचाते हैं। चाहे श्री विधि खेती हो, जैसे टपक सिंचाई हो, स्प्रिंकलर हो, ये सारा चीज़ को किसान लोग को बताना पड़ता है। और वो लोग जिसको अगर उसका फ़ायदा लेना हो, वो सब अपना फॉर्म भर के लेने का प्रयास करता है और मिलता भी है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा ग्रामीणों को खेती से जुड़ी तकनीक और विभिन्न कृषि संबंधित सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी मुहैया कराने के लिए कृषि मित्र की नियुक्ति की गई है। मनरेगा के तहत एक हमको जैसे कि कुआं मिला, इसमें से खेती के लिए हमको बहुत सुविधा। पहले जब कुआं नहीं था तो पहले हमको खेती करने में बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत हो रहा था। जब से मनरेगा के तहत कुआं मिला, खेती करने में हमको सुविधा हुआ। इसके बाद में फिर जैसे कि मेरा इसी से जीवन यापन खेती करके ही चलने लगा, चल रहा है। और बाल बच्चा को भी अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं। मैंने भटक रहे थे बहुत कि कुआं नहीं था तो खेती करने के लिए भटक रहे थे कि कैसे खेती करे बोल के। जब से कुआं हुआ, बढ़िया ढंग से हम खेती करने लगे। इस पंचायत में डेयरी फार्मिंग एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। इन ग्रामीणों ने बेहतर दूध उत्पादन के लिए खुद को एक संरचित प्रणाली में संगठित किया है। इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू मेधा डेयरी द्वारा संचालित दूध संकलन केंद्र की उपस्थिति है।
यहाँ प्रतिदिन ग्रामीण दूध जमा करते हैं और जमा किए गए दूध की मात्रा के हिसाब से मेधा डेयरी द्वारा भुगतान किया जाता है। नतीजतन यहाँ दूध बेचने की प्रक्रिया सरल हो चुकी है और इन्हें घर घर जाकर बिक्री नहीं करनी पड़ती। इस केंद्रीकृत दृष्टिकोण ने न केवल डेयरी उत्पादन को सुव्यवस्थित किया है बल्कि इससे ग्रामीणों के लिए उचित राशि का ससमय भुगतान भी सुनिश्चित हो पाया है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई फैसिलिटी हम लोग जहाँ तक नहीं मिल पाती है। हाँ, डेयरी है जिसका सुविधा हम लोग को मिलती है यहाँ से, जहाँ पे हम लोग मेधा डेयरी में दूध देते हैं। जो अभी मेरे पास लगभग 1 क्विंटल दूध है, लगभग 15 से 20 जानवर हैं मेरे पास। अभी अपने सब कुछ बनाए हैं, शेड उड हरा चारा अपने खेत में उगाते हैं, मेधा समय कैटल फीड मिलती है और बाकी बात सुविधा अपने से कर लेते हैं हम लोग। चोरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना कई परिवारों के आवास आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने में सफल रहा है। पहले अल्पविकसित मिट्टी और खपड़ेल के मकान में रहने वाले परिवार अब खुद को स्थायी पक्के आवासों की आरामदायक छांव में सुविधा एवं सुरक्षा से घिरा हुआ पाते हैं। हमको 2018 में पीएम आवास मिला था और अपना मेहनत करके उससे हम बढ़ा चढ़ा के बनाए हैं। अभी बढ़िया से रहते हैं और मेहनत करते हैं और बढ़िया से बनाएंगे घर और भी बढ़ाने बनाने का कोशिश करते हैं। इस पहल ने न केवल इन्हें आश्रय प्रदान किया है बल्कि लाभार्थियों के बीच गर्व और सम्मान की भावना भी पैदा की है। यह आरामदायक और बेहतर जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसके अलावा कई आकांक्षी वंचित परिवारों को जल्द ही अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आवास मुहैया कराया जाएगा। इस दिशा में भी कार्य की शुरुआत हो चुकी है। से मेरा नाम से प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ था ब्लॉक से, जो कि सहयोग राशि के रूप में उसी में मिला जुला के हम और थोड़ा सा घर बनाए। हाँ, इससे पहले कच्चा मकान था, खोपा कच्चा मकान तो है ये है, साल में हर बार साल एक बार उसको रिपेयरिंग दिक्कत तो था। अपने आवास का सपना एक ऐसा सपना है जो हर निवासी बड़े ही शिद्दत से संजोता है। अगर हम इस पंचायत की बात करें तो हर परिवार का अपना एक आवास हो, हर कोई पक्के मकान में रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। उसमें से एक योजना है पीएम आवास योजना। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत आवास मिल चुका है और उसके साथ ही साथ फिलहाल अबुआ आवास के अंतर्गत भी यहाँ पर 42 परिवारों का चयन किया गया है। पहला किश्त जो कि 30,000 रुपये का है वो इनके खाते में चला गया है और धीरे धीरे कर इन्हें पूरे जो पैसे हैं मिल जाएंगे ताकि ये जो परिवार हैं ये गांव में अपना एक घर बना सके। किसी भी गांव के विकास की स्थिति अक्सर वहां के विद्यालय की स्थिति से झलकती है। इस गांव का मध्य विद्यालय प्रगति का प्रतीक है, जो कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान और छात्रों के लिए पौष्टिक मिड डे मील जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। शिक्षक यहां अक्सर एक जीवंत शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इंटरैक्टिव और आकर्षक शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। मैं 8 क्लास में पढ़ती हूं और मेरे हम लोग का टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। यहां सभी विषय का पढ़ाई होता है। हम लोग का एक कंप्यूटर लैब है, उसमें पढ़ाई होता है। हम लोग का स्कूल में खेलने का जगह भी है। यहाँ खाना वाना अच्छे से मिलता है। इस विद्यालय में ये विद्यालय क्लास 8 तक है और विद्यालय के चारों ओर अच्छा घेरा है, पेड़ पौधा है, शिक्षकों की कमी नहीं है। यहाँ हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ काफ़ी हैं और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छा से होता है और सुविधा होने के कारण बच्चों में दिक्कत नहीं हो पाती है। मिड डे मील भी मिलता है जो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है।
हालांकि इन सब के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा का अभाव एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अक्सर विद्यालय में चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके परिणाम स्वरूप न केवल मूल्यवान वस्तुओं का नुकसान होता है बल्कि इससे बच्चों के शैक्षिक यात्रा में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए एक शिक्षिका भी अवेलेबल है और फिर समय पर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो हम लोग कभी कभी सर लोग अपना बाइक से खोजने भी चले जाते हैं, जो प्रयास में हम लोग करते हैं और फिर यहाँ पर सब कोई मिलजुल के बच्चों को कोशिश करते हैं जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की। मेरे अंडर में 13 स्कूल हैं। 13 स्कूल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं और यहाँ चोरी बहुत होती है। कभी चावल चुरा के ले जाते हैं, कभी बेंच डेस्क सारा कुछ, इसलिए यहाँ गार्ड की आवश्यकता है। हो सके तो गार्ड ये करवाएं। चोरिया पंचायत में कुल 6 विद्यालय मौजूद हैं जिसमें से 3 प्राथमिक विद्यालय और साथ ही 3 मध्य विद्यालय है। हम फिलहाल जहां पर मौजूद हैं ये यहां का मध्य विद्यालय है जहां 8वीं तक की पढ़ाई होती है। अगर विद्यालय में मौजूदा सुविधाओं की बात की जाए तो यहां बच्चों के लिए लाइब्रेरी है, उसके साथ ही साथ कंप्यूटर लैब भी है, मिड डे मील की व्यवस्था भी है। ये जो पूरा परिसर है इसका घेराव भी हुआ है जिस कारण बच्चों की सुरक्षा पर भी अच्छे से ध्यान दी जाती है। परिसर में उनके खेलने का भी एक अच्छा माहौल है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ अगर बुनियादी सुविधाओं में अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वाकई ये जो स्कूल भी है ये आने वाले वक्त में एक मॉडल स्कूल बनकर उभर सकता है। इस पंचायत में सकारात्मक परिवर्तन और वांछित विकास लाने में यहाँ की महिलाओं की भूमिका सर्वोपरि है। अपने व्यवसाय के कुशल प्रबंधन से लेकर साप्ताहिक बैठकों और कार्यशाला में भाग लेने तक ये प्रगति के प्रति अटूट समर्पण का प्रदर्शन करती है। इनकी सक्रिय भागीदारी समुदाय के भविष्य को आकार देने की इनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। स्वयं सहायता समूह के रूप में इन महिलाओं को वित्तीय स्थिरता हासिल करने, विचार साझा करने और अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की वकालत करने के लिए एक मंच मिल गया है। सामूहिक कार्रवाई और सशक्तिकरण के माध्यम से ये न केवल अपना जीवन बदल रही है बल्कि गांव की समग्र प्रगति और समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रत्येक सप्ताह का चर्चा अलग अलग होता है। कभी होता है कि गांव का विकास के लिए भी होता है, घर परिवार में किसी का अगर कोई परेशानी होता है उसके लिए भी होता है चर्चा, और बच्चों को कैसे अभी नामांकन का स्थिति आ रहा है वहाँ बच्चों को हम लोग नामांकन कैसे, हर बच्चे को आप लोग स्कूल भेजिए या तो हम लोग भेजेंगे, ऐसे हम लोगों का वहाँ पर चर्चा चलता है। अभी पिछले सप्ताह में थोड़ा फलेरिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, थोड़ा समूह की महिलाएं के साथ में रैली भी निकाले हुए थे ताकि लोग जागरूक हों। ऐसे हम लोग महिला समूह से जुड़े हुए हैं। समूह का नाम है विकास स्वयं सहायता समूह, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ और सप्ताह में हम लोग बैठक करते हैं 1 घंटा, उसमें बचत जमा करते हैं 20 रुपया करके, ऋण में भी हम लोग पैसा बांटते हैं और उससे जो सूद में जो पैसा हम लोग को मिलता है ब्याज, उसको फिर मतलब हम लोग आपस में उसको भी बांटते हैं। और ऋण लेके हम खेती किए थे, उससे बहुत अच्छा मेरा फायदा हुआ। मैं पशुपालन भी करती हूँ और साथ साथ मैं किसानी भी करती हूँ। पशुपालन करने से आमदनी भी बढ़ती है घर में और बहुत हेल्प होता है घर पे। हम लोग के यहाँ पे गांव में ही मेघा डेयरी है जिसमें दूध डायरेक्ट बेचते हैं, उससे डायरेक्ट बैंक में पैसा आता है और घर घर बेचने का झंझट नहीं है, बहुत उससे समय बचता है, तो उसमें हम खेती पे ध्यान देते हैं।
लोग खेती बाड़ी पशुपालन सभी चीज़ करते हैं अपना घर में, और खेती करके हम लोग मार्केट में ले जाते हैं, जैसे गोभी हुआ, टमाटर, मिर्चा, यही गेहूँ, यही सब लगाते हैं, धान उन का खेती करते हैं। और हम लोग का गांव में भी आ जाता है, ट्रक उर्क उसी में लोड होता है, सभी बेचने के लिए झंझट ही नहीं है हम लोग को। चोरिया पंचायत के विकास की यात्रा में सूचना प्रसार इस गांव में आधारशिला बनकर उभरा है। यह महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीणों का प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करने में सहायक रहा है। नियमित सेमिनार और कार्यशाला ऐसे मंच के रूप में काम करती है, जहां ग्रामीण सक्रिय रूप से जुड़कर आजीविका के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को चल रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। गांव के लोग कृषि में ज्यादातर निर्भर हैं और कृषि से ही उनका घर चलता है और उनका जो आय का स्रोत है वो है। और अगर सरकार अगर ध्यान दे कृषि के अलावा कुछ ऐसा कुछ इधर रोजगार का अवसर पैदा कर दे तो लोगों को बाहर जो पलायन करते हैं ईंट का भट्ठा में चले जाते हैं साल भर बरसाती खेती करने के बाद, और उसके बाद फिर दिहाड़ी मजदूर के लिए शहर की ओर पलायन करते हैं, वो लोग बाहर ना पलायन करके गांव में ही रह के अपना गुजर बसर अच्छे तरीका से कर सकते हैं। किसान खेती तो करता है बट वो जो है फसल को मंडी तक पहुंचाने में असमर्थ इसलिए होता है क्योंकि रास्ता का भी प्रॉब्लम होता है और बारिश में इतनी कठिनाई होती है, क्योंकि टेम्पू भी चल नहीं पाती है और ख़ास करके बड़ी गाड़ी आने का तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि हमारे गांव में आज भी अगर देखा जाए तो ठीक से PCC भी नहीं बन पाई है और बिल्कुल कच्चा रास्ता है जो कि हम लोगों को बारिश में चलने का भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे गाँव में ऐसा कोई व्यवस्था दें ताकि हमारे जितने भी गरीब भाई बंधु जो है बाहर प्लानिंग करते हैं उनको प्लानिंग ना करना पड़े और बेहतर इस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग करने के लिए पूरा जोश जुनून है बट उस चीज़ को हम लोग कर नहीं पाते हैं। यह एक गांव है हमारा, जो छोटा सा गांव है उस गांव में हमें शिक्षा का अभाव दिख रहा है और हमारे पंचायत के अंदर एक उच्च विद्यालय हो, एक प्लस टू का विद्यालय हो, जिससे कि हमारे बच्चों को यहाँ से बाहर जा कर के शिक्षा लेना ना पड़े, सब गांव में ही उपलब्ध हो तो हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ पे सरकारी योजना लेने के लिए ग्राम सभा गांव में करते हैं, उसके बाद में ग्राम सभा के माध्यम से चयनित करते हैं और जो देने लायक रहता है उसको पहुंचाने का काम करते हैं। अभी 4-5 साल से बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिस गति से होना चाहिए उस गति से हमारा पंचायत विकास नहीं कर पाया। अभी वर्तमान में हमारे पंचायत में कुछ ऐसे कार्य हैं जो धरातल में हमें देखने को मिला है और देख रहे हैं, और हम अपने प्रयास से अभी जो भी योजनाएं हैं जैसे हमारा केंद्र सरकार की योजना है नरेगा के तहत, मनरेगा के तहत कुआं और आम बागवानी, ये सभी योजनाएं अभी हमारे पंचायत के जितने भी ग्रामीण हैं बहुत लोगों को मिल चुका है और उनका लाभ लोगों को मिला और वे अपने आय में वृद्धि कर चुके हैं। आम बागवानी हो गया, नरेगा के तहत कुआं हो गया, उसके अलावा हमारे पशुपालन विभाग से कुछ योजनाएं लाभुकों को मिला है, जैसे पशुपालन से आपका सुकर सेड है और कुकुट सेड है, साथ में बत्तख का भी पालन लोगों को लाभ मिला है। ये सभी योजनाएं लाभुक लेकर के आज अपने इनकम में अच्छा खासा वृद्धि भी कर चुके हैं, साथ ही वो इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक भी है, जिसे हम आगामी अपने GPDP के माध्यम से उनको ये लाभ दिलाएंगे। उस
वर्तमान समय में चोरिया पंचायत सामूहिक प्रयास और सरकारी समर्थन की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में खड़ा है। दृढ़ सहयोग और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से इस गांव ने विभिन्न चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करके सतत विकास के एक मॉडल के रूप में उभर कर अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसकी यात्रा ग्रामीण समुदाय के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का द्योतक है, जो सकारात्मक विकासोन्मुखी बदलाव लाने में स्थानीय पहल और सरकारी समर्थन के बीच साझेदारी के महत्व पर जोर देता है। विकास के सफर में अक्सर जो समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है वो है लोगों के बीच में मौजूदा अंतर। इसीलिए भी सरकारी योजनाएं जो धरातल पर उतारी जाती हैं उसका मकसद होता है कि ग्रामीणों के बीच में जो अंतर मौजूद है उसको कम किया जा सके, विकास के जो सफ़र में हर कोई भागीदार बन सके। अगर हम चोरिया पंचायत की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, कई ऐसे भी हैं जो फिलहाल पशुपालन कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का इन्होंने लाभ तो उठाया ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ कई ऐसे भी ग्रामीण हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले छोटे स्तर पर शुरुआत किया अपने व्यवसाय का, लेकिन आज बहुत ही बड़े स्तर पर ये काम कर रहे हैं और न केवल अपने बेहतरी के लिए बल्कि उसके साथ ही साथ बाकी ग्रामीणों के बेहतरीन के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ मौजूदा समस्या की बात की जाए तो उसमें सबसे अहम समस्या है यातायात की। कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो आज भी कच्चे पड़े हैं, जिस कारण ना केवल आवाजाही में लोगों को समस्या मिलती है बल्कि उसके साथ ही साथ वैसे ग्रामीण जो कृषि से जुड़े हुए हैं या फिर पशुपालन से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अक्सर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। विकास तब तक पूर्ण तरीके से नहीं संभव है जब तक हर पहलू पर काम ना किया जाए। तो अगर यातायात की समस्या पर यहाँ पर जल्द ही कोई निवारण लाया जाए तो गांव का विकास और बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसी के साथ ही अब वक्त आ चुका है कि हम आपसे विदा लें, हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।